हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वाणी। और बच्चों, आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपने ग्रेविटेशन के अंदर ही एक टॉपिक, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है बच्चों? देखो कि जैसे ये हमारे पास कोई प्लैनेट है, मटेरियल बॉडी बोलेंगे इसको, और कोई दूसरी बॉडी इसके अराउंड कंटिन्यूसली घूम रही है। तो जो भी बॉडी इसके अराउंड कंटिन्यूसली घूमेगी उसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। जैसे हमारे पास क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज ए बॉडी रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली अराउंड ए मटेरियल बॉडी। किसी मटेरियल बॉडी के अराउंड कंटिन्यूअसली जो रिवॉल्व कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब मून तो नेचुरल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखो हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। और उनको लॉन्च करने का एक प्रिंसिपल है। देखो कैसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं बच्चों, इसको समझते हैं। ये नोट कर लीजिए आप। देखो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम कैसे लॉन्च करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। अब जैसे हमारे पास ये अर्थ होगी हमारी, सपोज करते हैं, और इसके ऊपर हाइट पे कोई प्लेस है, और वहाँ से हमने क्या किया, किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये बॉडी है हमारे पास, इसको हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लो स्पीड पे हमने फेंका, ये यहाँ से स्टार्ट करके पाथ वन के अराउंड गिर गई। फिर हमने स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी तो पाथ टू को फॉलो करते हुए गिर गई, और फिर स्पीड और बढ़ा दी तो ये गिरी तो सही लेकिन अर्थ की सरफेस से बाहर। कहाँ गिरी? अर्थ की सरफेस से बाहर। तो एक बार ये अर्थ की सरफेस से बाहर गिरेगी तो फिर अब ये हमेशा अर्थ की सरफेस से बाहर ही गिरेगी। कैसे? देखो, अब इसको कुछ पर्टिकुलर स्पीड जितनी मिली हुई है उसकी वजह से कहाँ गिरी? अर्थ की सरफेस के बाहर। अब उतनी स्पीड इसकी यहाँ रहेगी, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम है तो स्पीड तो कम होनी नहीं है। अब यहां भी उतनी स्पीड मिली है तो यहां भी वो कहां गिरेगी? अर्थ की सरफेस से बाहर। यहां भी इसको उतनी ही स्पीड मिली हुई है तो ये अर्थ की सरफेस से बाहर, यहां भी उतनी ही स्पीड मिली हुई है तो यहां भी कहां गिरेगी? अर्थ की सरफेस से बाहर। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरह से उसको क्या प्रोवाइड करने लग जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने लग जाता है, और वो हमेशा अर्थ की सरफेस से बाहर ही गिर रही होती है। तो सैटेलाइट एक्चुअल में तो क्या है, एक्चुअल में एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी ही है, लेकिन गिरती कहाँ है? वो अर्थ की सरफेस से बाहर, अर्थ की सरफेस पे ना गिर के अर्थ की सरफेस से बाहर गिरती है। तो ये हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रिंसिपल है। अब आप देखते होंगे सैटेलाइट लॉन्च करने का जो प्रोसेस है, अगर कभी टीवी पे दिखाया जाए तो उसमें क्या है, रॉकेट पहले सैटेलाइट को क्या करता है, ऊपर लेके जाता है। ऊपर ले जाने का प्रोसेस यही है या पर्पज यही है कि वो क्या कर देगा, हाइट प्रोवाइड कर देगा। हाइट प्रोवाइड करने के बाद वो रॉकेट टिल्ट होगा और सैटेलाइट को क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रोवाइड कर देगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रोवाइड करने के बाद रॉकेट उससे अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल है, और इस प्रोसेस में जो इसको सैटेलाइट को जो स्पीड मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, कंसीडर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट ऑन अर्थ सरफेस एट लो स्पीड पे क्या हो जाएगा, इट फॉल्स
अलोंग पाथ वन के अलोंग फॉल हो जाएगा, एंड एट हायर स्पीड्स, हायर स्पीड पे क्या हो जाएगा, इट फॉल्स अलोंग पाथ टू, पाथ टू के अलोंग फॉल हो जाएगा। इफ स्पीड इज फर्दर इंक्रीज्ड, अगर स्पीड को हम क्या कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, स्पीड इज फर्दर इंक्रीज्ड, इट डू नॉट फॉल ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे ये नहीं गिरेगा। एंड फॉल्स आउट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से बाहर गिरेगी बॉडी, ठीक है, और अर्थ सरफेस से बाहर गिरेगी तो क्या हो जाएगा, एंड स्टार्ट रिवॉल्विंग, स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो ये हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रिंसिपल है। तो लॉन्च करके आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम दो तरह के बनाते हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट। तो उनको भी हम वन बाय वन समझते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखो दो तरह के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, एक है बच्चों इसमें जियो स्टेशनरी और दूसरे हैं इसमें बेटे पोलर सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जियो, जियो मतलब अर्थ और स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, रुके हुए। तो जो अर्थ की सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो अब आप सोचोगे जियो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में रुके हुए कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर रुक गई तो अर्थ तो उसको नीचे गिरा लेगी। लेकिन होता क्या है, इसको समझते हैं। देखो सपोज करो मैंने सेट, ये अर्थ है और अर्थ आपको पता है अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और मैंने सेटेलाइट इस स्पॉट पे लगा दिया, इस स्पॉट पे लगा दिया। अब है क्या, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, जितना अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमेगी उतना ही अगर सैटेलाइट घूम जाए तो ये उसी पॉइंट पे रहेगा। तो इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाए जाते हैं कि वो अर्थ की रोटेशन के साथ घूमे। तब उसके लिए देखो कुछ कंडीशंस बन जाएंगी, क्या कंडीशन बन जाएगी कि अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट, तो सैटेलाइट भी कैसे घूमना चाहिए, वो वाला वेस्ट से ईस्ट। अर्थ अपनी एक्सिस पे एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में पूरा करती है, 24 घंटे में, तो वो सैटेलाइट भी हमारा अपनी ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन कितने देर में पूरा कर ले, 24 आवर्स में, तो वो क्या बन जाएगा, जियो स्टेशनरी बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी तीसरी उसके लिए कंडीशन है कि उसकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशंस लिखते हैं बच्चों, पहले तो जियो स्टेशनरी की डेफिनेशन लिख लेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हो गए, द सैटेलाइट्स विच एपियर्स, एक्चुअल में रेस्ट पे नहीं होते, सिर्फ रेस्ट पे एपियर होते हैं, विच एपियर्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे एपियर होते हैं, ये हमारे पास क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं,
पहली कंडीशन, दे शुड रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में रिवॉल्व करने चाहिए। दे शुड रिवॉल्व या दे शुड हैव टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 आवर्स टाइम पीरियड होना चाहिए। और दे शुड बी एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर, दे शुड बी एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, दे शुड बी एट ए हाइट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर होने चाहिए ये हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इनको हम यूज कहाँ करते हैं, इनके बेटे दो यूजेस हैं। एक तो इनको हम रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग मतलब किसी दूर जगह के बारे में पता लगाना कि वहाँ क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके दो यूज हैं, यूजेस एक तो क्या हो गया कम्युनिकेशन के लिए और दूसरा फॉर रिमोट सेंसिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए हम इनको यूज करेंगे। ये हमारे हो गए बच्चों जियो स्टेशनरी, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं पोलर सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है बच्चों इसमें पोलर सैटेलाइट्स। तो पोलर सैटेलाइट्स क्या हैं, जो अर्थ के पोल्स के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, जो अर्थ के पोल्स के ऊपर रिवॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो जो पोल्स के ऊपर रिवॉल्व करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर सैटेलाइट्स। तो जो पोल्स के ऊपर बच्चों रिवॉल्व करते हैं वो पूरी एक रिवॉल्यूशन में पूरी अर्थ का चक्कर कवर कर लेते हैं, पूरी अर्थ के हर पार्ट को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इनको हम यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि जब अर्थ की सारी जगह की पिक्चर का कैप्चर होगी तो किस जगह पे बादल हैं, किस जगह पे तूफान बन रहा है, ये सारा जो है पोलर सैटेलाइट्स से ऑब्टेन पिक्चर्स के जरिए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट्स क्या हो गए, द सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अलोंग पोल्स ऑफ अर्थ, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स। और ये जो होते हैं दे आर एट ए हाइट ऑफ 400 to 600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, इतनी ऊंचाई पे हम लगाते हैं इनको। और अगर इनके यूज की बात की जाए तो यूज इनका क्या है, वेदर फोरकास्टिंग, दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग इनको हम यूज करेंगे बच्चों वेदर फोरकास्टिंग के लिए। क्लियर है। ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लैनेट के अराउंड जब कोई सैटेलाइट घूमता है तो किस स्पीड से घूमेगा, क्या उसका टाइम पीरियड होगा, क्या उसकी हाइट होगी और क्या उसकी एनर्जी होगी, इन सब के बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछला जो हमारा लेक्चर था वो बेस्ड था सैटेलाइट पे और उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स पे,
तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि सैटेलाइट की जो स्पीड है, सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, सैटेलाइट की जो एनर्जी है वो सारी क्या रहने वाली है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हमारा कोई प्लेनेट है और प्लेनेट के अराउंड ये कोई बॉडी है, ये रिवॉल्व कर रही है। प्लेनेट के अराउंड ये कोई बॉडी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो अब जो फिक्स वेलोसिटी इसको मिली हुई है उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। प्लेनेट का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम है, और जो हमारी सैटेलाइट है उसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम है। क्लियर होगी बात। और ये वाली डिस्टेंस बच्चों हम मानते हैं स्मॉल आर, ये वाली हमने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली। और जो प्लेनेट की रेडियस है वो हमने मान ली कैपिटल आर, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर हम नीचे लिखते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द वेलोसिटी विद विच ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट। ये सिर्फ प्लैनेट और सैटेलाइट के लिए बात हो रही है बच्चों। अगर हम जैसे स्टार और प्लैनेट की बात करेंगे तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो किसकी होगी, प्लैनेट की हो जाएगी। किसके अराउंड, स्टार के अराउंड। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट और प्लैनेट की, तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है प्लैनेट के अराउंड, ठीक है। द वेलोसिटी विद विच ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मान लो हमारा सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट के अराउंड, तो रिवॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको किससे मिलेगा, प्लेनेट और सेटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे मिलेगा, ठीक है। तो देखो, लेट स्मॉल एम बराबर हम क्या मान लेते हैं, मास ऑफ सेटेलाइट, और कैपिटल एम हम मान लेते हैं मास ऑफ प्लैनेट। क्लियर हो गया। स्मॉल आर हम मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सेटेलाइट। तो प्लैनेट से डिस्टेंस का मतलब यही है कि प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। और प्लैनेट की सरफेस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम हाइट ऑफ सेटेलाइट बोलते हैं। प्लैनेट की सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो सेटेलाइट की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बच्चों, वो सेटेलाइट की हाइट हो जाएगी। तो अब देखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट द सैटेलाइट, टू रोटेट द सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सैटेलाइट को सेंट्रिपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला बनाते हैं हम, ये नोट कर लीजिए एक बार। तो अब देखो इसका फार्मूला बनाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तो अब इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। वी के नीचे हमने लगा दिया ओ, ओ का मतलब जो वेलोसिटी है इसकी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, जी पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास बाई आर स्क्वायर। तो पहली बॉडी हमारी प्लेनेट होगी, इसका मास एम है, दूसरी बॉडी होगी सैटेलाइट, इसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, एम से एम हमारा कैंसिल हो गया, एम से एम हमारा कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो वी नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, जी एम बाई आर। वी नॉट स्क्वायर क्या आ गया, जी एम बाई आर। तो जो जी एम है, अच्छा वी नॉट निकालें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, रूट जी एम बाई आर पे। ठीक है, तो वी नॉट क्या आ गया, रूट जी एम बाई आर। तो एक तो फार्मूला ये बन गया हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब इसी को आप स्मॉल आर है इसको क्या ले सकते हो, आर प्लस एच। जो स्मॉल आर है उसको क्या ले सकते हो, आर प्लस एच। और जी एम को जो है वो आप लिख सकते हो बच्चों जी आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर। वी नॉट को हमने क्या लिख दिया, हाँ रूट जी एम बाई आर, फिर आर की जगह आर प्लस एच, जी एम को जी आर स्क्वायर। ये पता है किस फार्मूले से, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, इस फार्मूले से। तो जी एम क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आर स्क्वायर यहाँ रूट के बाहर आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर यहाँ रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर, और अंदर जो बचेगा फिर जी अपॉन में आर प्लस एच। तो ये एक फार्मूला और आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का। क्लियर हो गया। अब इसमें स्पेशल केस देखो, अगर हमारे पास जो सेटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है, अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है, स्पेशल केस, इफ सेटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है, इसका मतलब हाइट बहुत कम है, तो हाइट बहुत कम है तो आर प्लस एच लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के। आर प्लस एच लगभग किसके बराबर हो गया, आर के। तो यहाँ पर जब आप क्या करोगे, आर प्लस एच की जगह आर रखोगे, यहाँ आर प्लस एच की जगह आर रखोगे, तो वी नॉट हमारा कितना आ जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच की जगह क्या रख देंगे, आर। और यहाँ अर्थ के मास की वैल्यू, जी की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, ये सारा पुट करोगे ना, तो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है उसकी जो स्पीड है अर्थ के राउंड वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर आगे जाएगा वो सैटेलाइट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अब जो इसमें डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, तो देखो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अब इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों टाइम पीरियड के बारे में। देखो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगेगा, सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड वन रिवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड देखो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई आर बाई वी, यही होगा ना, एक चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बनेगी, 2 पाई आर, और स्पीड हमारे सैटेलाइट की कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, तो 2 पाई आर बाई वी नॉट। अब आप देखो वी नॉट की वैल्यू क्या थी बच्चों, वी नॉट की वैल्यू क्या थी,
रूट जी एम बाई आर, टू पाई आर, रूट आर ऊपर ले जाओ, जी एम नीचे आ गया, आर आर के अंदर जाएगा इस रूट के, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर तो पहले से था और इस आर को रूट के अंदर ले गया तो आर स्क्वायर, और जी एम को हम क्या लिख देंगे, जी आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे, जी आर स्क्वायर उसी पहले वाले फार्मूले से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू पाई, ये आर स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और अंदर बचेगा फिर आर क्यूब बाई जी, टू पाई बाई आर, और आर हमारे पास स्मॉल आर जो है वो क्या है, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का क्यूब बाई जी, ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ये हमारे पास सेटेलाइट का टाइम पीरियड आ गया बच्चों, सेटेलाइट का टाइम पीरियड आ गया। देखो अब, तो अब अगर इसमें हम स्पेशल केस करें कि सेटेलाइट हमारा अगर अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है तो यहां पर हम क्या करेंगे, एच को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आर प्लस एच लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के, किसके बराबर हो गया, आर प्लस एच लगभग किसके बराबर हो गया, आर के। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा, टू पाई बाई आर, आर प्लस एच की जगह क्या रख देंगे अपा, आर ही रख देंगे, तो ये बन जाएगा आर क्यूब बाई जी, ठीक है, और इस आर से ये जब इस आर को आप रूट के अंदर ले जाओगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर एक आर बच जाएगा, ऐसे हो जाएगा टू पाई रूट आर बाई जी। और जब आप क्या करोगे, स्मॉल जी और आर टू पाई ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो ये सॉल्व करके लगभग बच्चों 90 मिनट्स के आसपास आएगा, यानी लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 90 मिनट्स के। तो जो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज होगी उसका टाइम पीरियड होगा 90 मिनट्स, यानी वो 90 मिनट्स में अपना एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेगी बच्चों। क्लियर हो गया, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसमें हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। तो इसके बाद है बच्चों इसमें हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की हाइट कैसे निकालेंगे। देखो, तो अभी जो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला किया है उसी को हम यूज करेंगे इसकी हाइट निकालने के लिए। अब जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टू पाई बाई आर, आर प्लस एच का क्यूब बाई जी, स्क्वायरिंग करो टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, फोर पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर प्लस एच का क्यूब बाई जी, ठीक है, तो ये क्या आ गया, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई फोर पाई स्क्वायर आर प्लस एच का क्यूब। तो r प्लस एच कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई फोर पाई स्क्वायर, इसका वन बाई थ्री, तो h बराबर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाई फोर पाई स्क्वायर, वन बाई थ्री माइनस आर, ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ सैटेलाइट, क्या आ गया, ये हाइट ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला बन गया बच्चों। क्लियर हो गया,
नेक्स्ट देखो, अब बच्चों हम इसमें निकालते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये नोट कर लीजिए आप सभी। अब हम इसमें निकालेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो देखो बच्चों, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के राउंड क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है। कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करने का मतलब इसमें क्या हो गया, ये मोशन में है, तो मोशन में है तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी, अच्छा साथ साथ ये क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं जिसको। तो अब हमारी जो सैटेलाइट है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो एज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, देयरफॉर इट हैज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो अब हम अगर टोटल एनर्जी इसकी निकालें तो क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम, स्पीड कितनी है, वी नॉट है ना इसकी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर हमारे पास दो बॉडीज आर डिस्टेंस पर हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जी पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास अपॉन में उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, जी एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई आर। तो यहाँ आप देखो क्या है, जी एम एम बाई टू आर है और वहाँ जी एम एम बाई आर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाई ये हमारे पास आ गई बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या बन गई बॉडी की, ओ सॉरी टोटल एनर्जी, क्या बन गई ये बॉडी की टोटल एनर्जी। तो ये हमारी सैटेलाइट की बच्चों टोटल एनर्जी आ गई। और यहाँ निगेटिव एनर्जी क्या शो करती है, यहाँ निगेटिव एनर्जी क्या शो करती है, देखो किसी भी पार्टिकल की या किसी भी बॉडी की एनर्जी माइनस में है, इसका मतलब वो क्या है, बाउंड है। तो निगेटिव एनर्जी यहाँ क्या शो कर रही है, कि जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ से क्या है, बाउंड है। और एक्चुअल में ऐसे ही है कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ से बाउंड है। तो हेयर निगेटिव एनर्जी या निगेटिव शाइन शोज शोज दैट सैटेलाइट इज बाउंड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन ये शो करता है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, वो ये देखो कि जो हमारे पास सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, जी एम एम बाई टू आर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्या है, डबल है और निगेटिव है। तो यानी अगर काइनेटिक एनर्जी टी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस टू टी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस टू टी हो जाएगी। और टोटल एनर्जी जो आई है वो कितनी आई है, जी एम बाई टू आर, जो काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही आई है, लेकिन साइन क्या है, माइनस का है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी अगर टी है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस टी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में बहुत आता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें लास्ट है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से फ्री करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी ऑर्बिट से फ्री करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, क्लियर होगी बात। तो अब कोई भी बॉडी जो फ्री है उसकी एनर्जी माइनस में नहीं हो सकती, जीरो होगी या
पॉजिटिव होगी, जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो अब हमारा जो सैटेलाइट है, अगर इसको फ्री करना है तो इसकी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, जीरो, तो एटलीस्ट जीरो तो करनी पड़ेगी। तो जितनी माइनस में है उतनी ही अगर हम प्लस में दे दें तो सैटेलाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और वो फ्री हो जाएगा। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी लिखें बच्चों तो वो क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, जो एनर्जी चाहिए सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से फ्री करने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या आ जाएगी, प्लस का GMM बाई 2R, ये हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बच्चों ये सैटेलाइट से रिलेटेड एक्सप्रेशंस हमारे कंप्लीट होते हैं, एक दो बातें और डिस्कस करेंगे सैटेलाइट से रिलेटेड। देखो ये नोट कर लीजिए, तो एक बच्चों इसमें है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो वेटलेसनेस क्या होता है, कोई भी बॉडी जब अपेरेंट वेट उसका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो किस में आ जाती है, वेटलेसनेस की सिचुएशन में आ जाती है। तो सैटेलाइट एक्चुअल में क्या है, सैटेलाइट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। देखो आपको मैंने तब भी समझाया था जब सैटेलाइट डिस्कस किया था कि सैटेलाइट क्या है, अर्थ की तरफ गिर रही होती बॉडी है, लेकिन वो गिरती कहाँ है, अर्थ की सरफेस से बाहर। गिरती कहाँ है, अर्थ की सरफेस से बाहर हर पॉइंट पे। इसके पास इतनी सफिशिएंट स्पीड होती है कि अर्थ की सरफेस पे ना गिर के कहाँ गिरेगी, अर्थ की सरफेस से बाहर गिरेगी। तो सैटेलाइट एक्चुअल में क्या है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है। तो इस वजह से सैटेलाइट के अंदर अगर आप होगे तो आपका अपरेंट वेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जैसा कि हर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का अपरेंट वेट जीरो होता है। तो सैटेलाइट का अपरेंट वेट क्या होगा, जीरो होगा, और सैटेलाइट के अंदर कोई बॉडी रखी है उसका वेट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप देखते होंगे जो भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अगर उसके अंदर हम रहेंगे तो हम वेटलेसनेस की सिचुएशन में होंगे। आपने अगर टीवी वगैरह में देखा हो, डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा हो, तो उसमें क्या होगा, जो अर्थ के ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई पर्सन है तो हवा में तैरते मिलेंगे, मतलब वहाँ पे वेटलेसनेस की सिचुएशन में होंगे और ग्रेविटी का इफेक्ट उन पे नहीं नजर आ रहा होगा। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले वेटलेसनेस बता देता हूं मैं आपको क्या होता है। वेटलेसनेस तो वेटलेसनेस क्या हो गया, द सिचुएशन व्हेन अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स जीरो, जब अपरेंट वेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। एज सैटेलाइट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सैटेलाइट क्या है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, एंड वी नो दैट अपरेंट वेट ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज जीरो। अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द वेट ऑफ ए बॉडी
इन अ सैटेलाइट इज जीरो, जो वेट है बॉडी का सैटेलाइट में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सैटेलाइट के अंदर हमेशा वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इसमें क्या है कि वेटलेसनेस की सिचुएशन में अगर बॉडी होता है तो एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे मान लो हम ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन ही है कोई सैटेलाइट के अंदर, तो अगर वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में आ जाएगा तो अपरेंट तो उसकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा आप बुक से पढ़ सकते हैं कि जैसे उसका जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तो फ्लूइड अगर ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे तो फिर क्या होगा, उल्टी जैसी सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो जो फेस है वो स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, और हम चीज़ों को हैंडल ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम बुक से ईजिली पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद एक इसमें क्वेश्चन है कि अगर सैटेलाइट के अंदर, ठीक है, या सैटेलाइट पे अगर कोई बॉडी है तो उसका अपरेंट वेट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब मून भी तो क्या है, अर्थ का एक सैटेलाइट ही है, तो अगर हम मून पे जाते हैं तो मून पे वेट जो है वो महसूस क्यों होता है। देखो ये क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ वेट ऑफ ए बॉडी इज जीरो इन ए सैटेलाइट, देन वाई वी एक्सपीरियंस, या वाई ए पर्सन एक्सपीरियंस वेट ऑन सरफेस ऑफ मून, ठीक है, मून की सरफेस पे एक पर्सन वेट क्यों महसूस करता है। तो इसका आंसर देखो, दिस इज बिकॉज मून हैज, या आप ऐसे लिख दो, मून इज ए बिग बॉडी, बड़ी बॉडी है, एंड इट हैज इट्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, देयरफॉर ए बॉडी एक्सपीरियंस वेट ऑन मून ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून नॉट ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां वेट महसूस नहीं होता, बल्कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहां वेट महसूस होता है बच्चों। तो ये हम आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।